गाइस, क्या किसी बाइक को पेट्रोल की जगह पानी से चलाया जा सकता है? ये सुनने में आपको बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन हमारे ही एक इंडियन यूट्यूबर ने बाइक को पेट्रोल की जगह पानी से चलाकर दिखा दिया। और गाइस, क्या होगा जब कोका कोला में दूध को मिक्स कर दिया जाएगा? इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट होगा उसे देखने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है हिप्नोटाइज चिकन। गाइस, आपने टीवी शोज में देखा होगा कि जो जादूगर होते हैं वो सामने खड़े व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को वो अपने बस में कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चिकन को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चिकन को पकड़ना है और उसको कुछ इस तरह से लिटाकर उसके सामने एक सीधी सी लाइन खींच देनी है, जिसके बाद आप देखेंगे कि वो चिकन पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका होगा। ये चिकन कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे कि वो मर चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय चिकन को लगता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है, इसीलिए चिकन को कुछ समय तक कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही चिकन समझ जाता है कि उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, वैसे ही ये चिकन वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। अब गाइस, अगर आपके घर में कोई चिकन है तो उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना और उसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि चिकन हिप्नोटाइज हुआ या नहीं। नंबर 9 पर है रनिंग बाइक ऑन वाटर। गाइस, गाड़ियां ज्यादातर पेट्रोल से ही चलती हैं, लेकिन क्या हो जब कोई बाइक पानी से चलने लगे? तो इस एक्सपेरिमेंट को किया है हमारे इंडियन यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने, जिन्होंने एक बाइक में पेट्रोल की जगह पानी डाल के उसे सड़कों पर दौड़ाया। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने सबसे पहले बाइक के टैंक को पानी से भर दिया और फिर उसके बाद इन्होंने एक कुकर के अंदर कैल्शियम कार्बेट को रख दिया। गाइस, कैल्शियम कार्बेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत ही तेजी से गैस निकालता है और उस गैस में आग भी लगाई जा सकती है। तो ऐसा ही कुछ किया मिस्टर इंडियन हैकर ने, जिन्होंने कैल्शियम कार्बेट को कुकर में डालने के बाद उसके ऊपर से पानी को डाल दिया और फिर कुकर बंद करने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक की ये नली लगा दी, जिससे कि इस कुकर से निकलने वाली गैस इस नली के अंदर ही आए। और फिर जैसे ही कुकर के अंदर गैस बनती है और ये गैस जब नली के द्वारा बाहर निकलती है तो इस गैस में आग भी लगाई जा सकती है, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख ही रहे हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर इस सुई को बाइक के एयर इंटेक में घुसा देते हैं और फिर उसके बाद जब ये इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय तक तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो फिर तो मिस्टर इंडियन हैकर इस गाड़ी को सीधा रोड पर ही घुमाने ले जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी के पीछे इन्होंने अपने एक दोस्त को भी बिठाया जो कि इस कुकर को पकड़ सके, क्योंकि गाइस नॉर्मल वाटर से तो बाइक को नहीं चलाया जा सकता, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसीलिए बाइक को चलाने के लिए इन्होंने कैल्शियम कार्बेट का सहारा लिया। नंबर 8 पर है कोका कोला वर्सेस मिल्क। गाइस, क्या होगा जब कोका कोला में दूध को मिला दिया जाएगा? आप में से ज्यादातर लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं देखा होगा और न ही इसे ट्राई किया होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जब कोका कोला में मिल्क को मिक्स कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या बनकर तैयार होता है। गाइस, जैसे ही कोका कोला के अंदर दूध को मिक्स किया जाता है तो उसके बाद तो कुछ समय तो इन दोनों को मिक्स होने में लगता है और फिर मिक्स होने के 2 से 2.5 घंटे के बाद कोका कोला और दूध कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, जिसे देखते हुए लगता है कि कोका कोला जो ब्लैक कलर का होता है वो दूध के साथ मिक्स होकर नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर सिर्फ पानी पानी ही रह जाता है। और जब इन्हीं दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 24 घंटे तक इसे रखा रहने देते हैं, उसके बाद तो ऊपर की तरफ क्लियरली साफ पानी ही दिखाई देने लगता है। अब इस पानी का टेस्ट कैसा होगा? क्या कोका कोला जैसा होगा या दूध जैसा होगा? अगर ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर ट्राई करते हैं तो इसका टेस्ट कैसा होगा, मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। नंबर 7 पर है जायंट स्लाइम बबल। गाइस, आप में से कुछ लोगों ने स्लाइम के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, जो कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं और इस स्लाइम से एक बड़ा सा बबल भी बनाया जा सकता है। तो इस जायंट बबल को बनाने के लिए स्लाइम को चारों तरफ से पकड़ लेना होता है और फिर उसके बीच में कुछ इस तरह से गैप करके एयर भर ली जाती है और फिर जैसे ही आप इसे 1 से 2 बार ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो उसके बाद इस स्लाइम से जायंट बबल बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पर है एप्पल वर्सेस मील वॉर्म्स। गाइस, ये मील वॉर्म्स ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके सामने अगर आप कोई भी खाने की चीज रख देंगे तो ये सारे मील वॉर्म्स उसे कुछ ही घंटों में खाकर खत्म कर देंगे। लेकिन क्या होगा जब इन्हीं मील वॉर्म्स को खिलाई जाएगी दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची, जिस मिर्ची का अगर आप छोटा सा टुकड़ा भी अपनी जीभ पर भी रख लेंगे तो उसके बाद तो आपको घंटों तक इस मिर्ची का स्वाद लेना पड़ेगा। तो जैसे ही इन मील वॉर्म्स के बीच में इस मिर्ची को काट कर रखा गया तो ये मील वॉर्म्स 10 से 11 घंटे में इस मिर्ची को खा गए। उसके बाद जब इन्हीं के बीच में एप्पल को रखा गया तो
इस एप्पल को इन कीड़ों ने 110 घंटे में पूरा खा लिया, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 4 पर है रेड ग्लू वर्सेस बाइक। गाइस, रेड ग्लू एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके ऊपर अगर आप कोई भी चीज रख देते हैं तो वो चीज इसके ऊपर बहुत ही जल्दी चिपक जाती है, और इसी ग्लू का यूज चूहे पकड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही चूहा इस ग्लू के ऊपर आता है तो वो पूरी तरह से इसी के ऊपर चिपक कर रह जाता है, और फिर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो खुद को इससे नहीं छुड़ा पाता है। अब गाइस, जब इसी रेड ग्लू के ऊपर से एक बाइक को निकाला जाता है तो उसके बाद तो इस ग्लू के ऊपर से ये बाइक निकलती हुई तो चली जाती है, लेकिन इसके टायर्स में ये ग्लू बुरी तरह से चिपक जाता है। अगर इस ग्लू के ऊपर से अगर आप भाग के भी निकलेंगे तो भी इसके ऊपर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नंबर 3 पर है वर्ल्ड सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। गाइस, इलेक्ट्रिक ट्रेन के कॉन्सेप्ट को आप इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें आपको एक सेल को लेना है और छोटी छोटी मैग्नेट्स को लेना है, और फिर उसके बाद आपको कॉपर का कुछ इस तरह से एक छल्ला बना लेना है, जिसके बाद इन मैग्नेट्स को सेल के आगे और पीछे की तरफ चिपका देना है, और फिर जैसे ही आप इस सेल को इस कॉपर के छल्ले के अंदर डालेंगे तो ये सेल खुद ब खुद आगे की तरफ चलने लगेगा, और फिर जैसे ही आप इस छल्ले को बड़ा कर देंगे तो उसके बाद तो ये सेल पूरे छल्ले में घूमता हुआ आएगा, और उसके बाद जब आप इस छल्ले को एक गोल सर्कल की तरह बना देंगे तो ये सेल इस कॉपर की रिंग के अंदर ही घूमता रहेगा। नंबर 2 पर है मॉन्स्टर मैग्नेट। गाइस, आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि इस मॉन्स्टर मैग्नेट के बारे में जानते होंगे। ये मैग्नेट दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है, जिसके बीच में अगर आप कोई भी चीज रख देंगे तो ये मैग्नेट उसको बीच में ही फोड़ देंगे, और अगर आप खाली ही इन दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये दोनों मॉन्स्टर मैग्नेट एक दूसरे की ओर इतनी तेजी से आकर्षित होंगी कि ये दोनों की दोनों मैग्नेट टूट जाएंगी। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है श्रेडिंग मशीन एक्सपेरिमेंट। गाइस, क्या होगा जब श्रेडिंग मशीन के अंदर इस क्रिस्टल बॉल को डाल दिया जाएगा? क्या ये श्रेडिंग मशीन इस क्रिस्टल बॉल को तोड़ देगी? तो जैसे ही श्रेडिंग मशीन के अंदर क्रिस्टल बॉल को डाला गया तो उसके बाद श्रेडिंग मशीन चलती रहती है, लेकिन इस क्रिस्टल बॉल का कुछ भी नहीं होता है। अब गाइस, जब इसी श्रेडिंग मशीन में टूथपेस्ट को डाला गया तो जैसे ही इन टूथपेस्ट को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो उसके बाद इन सभी टूथपेस्ट के अंदर से पेस्ट कुछ इस तरह से निकलने लगता है, लेकिन श्रेडिंग मशीन इन सभी टूथपेस्ट का चूरन बना देती है। वैसे गाइस, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, और क्या आप कोका कोला के अंदर दूध डालने वाले एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई करने वाले हैं या नहीं? अगर आप इसको ट्राई करने वाले हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।